हेलो गाइस, मैं हूँ विश्वजीत मंडल। आप देख पा रहा है पूकॉन बीआर। आज का जो टॉपिक है पेटीएम साउंड बॉक्स को कैसे डीएक्टिवेट करना है, इनका मतलब आपका पास पेटीएम साउंड बॉक्स है, उनका रेंटल 125 रुपीज़ हर महीना आपका डेबिट हो रहा है, तो आप परेशान हो चुका है। तो कैसे इनको एक सेकंड के अंदर डीएक्टिवेट करना है वो आपको मैं बताता हूँ। चलिए फुल्ली लाइव वीडियो आपको मैं दिखाऊँगा और स्टेप बाई स्टेप आपको फॉलो करना। तो वीडियो को थोड़ा भी स्किप मत कीजिएगा, छोटा सा वीडियो है, सिर्फ फॉलो करना, आप खुद ही अभी अभी इसको स्टॉप कर पाएंगे। चलिए ज़्यादा बात नहीं करते, सीधी मेन टॉपिक में चला जाता हूँ। चलिए वीडियो को शुरू करने से पहले मेरा एक छोटा सा छोटा एक रिक्वेस्ट, जो आज मेरा फर्स्ट टाइम वीडियो देख रहा है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन भी प्रेस कर देना, ताकि मैं जब भी न्यू वीडियो लेके आऊँगा सबसे पहले नोटिफिकेशन आपका पास। चलिए शुरू करता हूँ। सबसे पहले आपका पास जो पेटीएम बिजनेस एप्लीकेशन है उनको ओपन कीजिए। चलिए मेरा पास जो है वो मैं ओपन करता हूँ। ओपन करने के बाद इस तरह का सबसे पहले होम पेज शो हो जाता है। यहाँ पर जो भी आप पेमेंट रिसीव करता है उनका यहाँ पर शो हो जाता है। तो फिलहाल मैंने कुछ ही मिनट पहले मैंने एक पेमेंट रिसीव किया था, उनका भी यहाँ पर शो हो रहा है, आप यहाँ पर देख पा रहे हैं, और सेटल नाउ का ऑप्शन आ रहा है। चलिए इसका आज का ही मैं ये समाप्त करता हूँ। आज ये मेरा लास्ट डे ये रिसीव करने के लिए पेटीएम साउंड बॉक्स के द्वारा। चलिए सबसे ऊपर आपका जो बिजनेस मतलब मार्जिन का नेम, उनका नीचे थ्री लाइन, यहाँ पर आपको टैप करना। चलिए यहाँ पर टैप करने के बाद आपका सामने और कुछ पेज यहाँ पर शो हो जाएगा, मतलब आपका सामने कुछ और सेटिंग्स ऑप्शन शो हो जाएगा। इसी तरह से आपको थोड़ा नीचे स्क्रॉल डाउन करके नीचे आ जाना। यहाँ पर आने के बाद यहाँ आपका सामने माई सर्विस बोल के एक ऑप्शन दिखाई दे रहा है, इसमें आई बटन पर टैप करना। चलिए माई सर्विस आई बटन पर मैंने टैप कर दिया। टैप करने के बाद आपका सामने यहाँ पर एक और न्यू नया इंटरफेस आपको शो होगा। इस तरह से आपका सामने देखिए यहाँ पर दो, एक माइक्रो एटीएम का और एक साउंड बॉक्स का। साउंड बॉक्स को पेड यहाँ पर आपको टैप करना। साउंड बॉक्स यहाँ पर पेड मैंने टैप करने के बाद यहाँ पर आपका सामने देखिए यहाँ पर बता जा रहा है जो आपको डिवाइस का जो रेंटल चार्ज है 125 रुपीज़, ठीक है, ऑल पेड है, और व्यू पेमेंट हिस्ट्री मतलब मेरा हर महीना का ट्रांजेक्शन यहाँ पर शो हो रहा है, किसी महीना भी पेंडिंग नहीं है, ऑटोमेटिक डेबिट हो गया है, यहाँ पर आप देख पा रहे हैं। तो 6 महीना कंटिन्यू इनका मैंने रेंटल भरा हूँ, अभी मैं थक चुका हूँ, मेरा ज़रूरत नहीं है। चलिए मैंने बैक आके फिर आपको दोबारा दिखाता हूँ कैसे उन लोगों से बात करके इनको डीएक्टिवेट करना है। देखिए उनका नीचे ही है कॉन्टैक्ट आज बोल के ऑप्शन, इस आई बटन पे मैंने टैप कर दिया। टैप करने के बाद आपका सामने और एक न्यू एंटरप्राइज आपका सामने शो हो चुका है। तो यहाँ पर देखिए आपका सामने अभी थोड़ा स्क्रॉल डाउन करना है यहाँ पर, ठीक है, स्क्रॉल डाउन करके बिल्कुल एकदम नीचे आ जाना, ठीक है। चलिए स्क्रॉल डाउन करके आपका एकदम दिखाता हूँ मैं लाइव, यहाँ पर एकदम नीचे आ जाता हूँ। तो यहाँ पर देखिए बिल्कुल नीचे आ चुका हूँ, कॉन्टैक्ट आर 24x7 हेल्प, ठीक है। इस आई बटन देखिए राइट साइड में यहाँ पर आई बटन है, इस आई बटन पे आपको और एक बार टैप कर लेना। चलिए यहाँ पर मैं टैप करते ही आपका सामने और एक नया इंटरफेस शो हो चुका है। यहाँ पर बता रहा है मर्चेंट हेल्प डेस्क, यहाँ पर कॉन्टैक्ट नंबर दिया गया और यहाँ पर मैसेज करके बात कर सकता है। चलिए मैसेज आई बटन पर टैप करता हूँ। तो यहाँ पर चैटिंग करके आपको करना पड़ेगा, काफ़ी दिक्कत में पड़ सकता है, कभी कभी कॉन्टैक्ट नहीं हो पाता है। चलिए मैं बैक आ जाता हूँ। तो बहुत ही सिंपल, बहुत ही डायरेक्ट तरीके से, एकदम बिल्कुल झंझट नहीं है, आप जो कॉन्टैक्ट हो पाएंगे। तो डायरेक्ट यहाँ पर देखिए जो नंबर दिया है इस बटन पर टैप करता हूँ। यहाँ पर टैप करते ही ऑटोमेटिक आपका जो कीबोर्ड का डिस्प्ले है यहाँ पर मोबाइल का ऑप्शन पर आ जाता है। आने के बाद यहाँ पर बिल्कुल कॉल पर टैप करना है। हाँ, ये बात ध्यान रखना है, हमेशा आपको जिस नंबर से रजिस्टर है उसी नंबर से कॉल करना, तभी आपको सही से जानकारी देगा और आपका डिवाइस डीएक्टिवेट करा देगा। चलिए मैं लाउड देता हूँ, देखिए आपका जो लोकल लैंग्वेज है उस भाषा से आप बात कर सकते हैं। और मैंने देख पा रहा हूँ यहाँ पर बहुत ही सिंपल, देखिए डायरेक्टली कॉल लग चुका है, अभी कुछ ही मिनट में कनेक्ट हो जाएगा। अभी यहाँ पर कनेक्ट होने के बाद सिंपली आपका नाम, आपका मर्चेंट नेम, आपका एड्रेस पूछा जाएगा जहाँ से डिलीवरी बॉय पिकअप कर लेगा। चलिए सुनते रहिए। नमस्कार, पेटीएम बिजनेस हेल्पडेस्क से आपका की स्वागत है। आपका कथा सीमा संगे হচ্ছে, আমি আপনাকে কিভাবে সাহায্য করতে পারি? হ্যাঁ বলছি, আমি না তোমার বিজনেস অ্যাপ থেকে একটা সাউন্ড বক্স অর্ডার করেছিলাম, সেটা রেন্টাল 125 টাকা করে আমার চার্জ কাটে। তো এটা আমি এখন ইউজ করব না, কোনো কারণে দোকানটা বন্ধ রাখবো, তো মান্থলিটা আমার কাটবে, আমি বক্সটা রিটার্ন করতে যাচ্ছি। তো কি করে করব? কি আমি যেরকম শুনতে পারলাম আপনি মার্চেন্ট অ্যাকাউন্টে আপনার এই যে নাম্বারে কল করছেন নম্বরে আপনার সাউন্ড বক্স আছে, রাইট? হ্যাঁ হ্যাঁ, ওই সাউন্ড বক্সটাকে আমি বন্ধ করতে যাচ্ছি। হ্যালো গাইস, তো মেরা এক ছোটা সা এক প্রবলেম হো গিয়া। प्रॉब्लम ये है कि मैंने लैंग्वेज हिंदी नहीं क्यों,
मेरा लोकल लैंग्वेज में मैंने बात किया, मैंने सोचा था बहुत ज़्यादा कुछ बात करना पड़ेगा, तो अभी यहाँ पर कुछ नहीं ऐसा, सिंपली मैं आपकी बता रहा हूँ, मेरा सिर्फ नेम पूछा गया और जो मेरा रजिस्टर मतलब नंबर और साथ में मेरा जो एड्रेस लोकल जहाँ से मेरा डिलीवरी बॉय पिकअप कर सकता है, और मेरा मेल पे अभी आ चुका है और रिटर्न का प्रोसेस चालू हो गया तुरंत। तो आप लोग इस तरह से बात करके इस सिस्टम से आप लोग का डिवाइस आप लोग का ज़रूरत नहीं है तो बिल्कुल आप रिटर्न कर सकता है। तो मैंने खुद का जो मेरा डिवाइस मैंने रिटर्न कर दिया, 6 महीना कंटिन्यू यूज किया था। तो लास्ट तक वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद, थैंक यू सो मच।